नमस्कार, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। मैं हूं काशिफ अली। हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जहां 1947 15 अगस्त को जब आजाद हुआ था तो उसकी बुनियाद ऐसी तरह रखी गई थी कि इस देश को आखिर तक ऐसे लेकर जाना है कि जिसकी अखंडता इतनी मजबूत हो कि जहां पर हर एक नागरिक की सुरक्षा की बात की जाए। लेकिन अमूमन पिछले दिनों से देखा गया है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से हादसे होते हैं, चाहे वो एल्फिंस्टन स्टेशन मुंबई में हादसा हुआ हो, चाहे गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कमी से बच्चे मर जाते हों, और कल ही जो हाल फिलहाल में जो हादसा हुआ है NTPC, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आखिर कब तक ये जाँच और जाँच और जाँच होती रहेगी? आखिर कब तक ये बेगुनाह जो मजदूर मजदूरी करते हैं कब तक मारे जाते रहेंगे, और कब तक सरकारें उनकी लाशों की कीमत अदा करती रहेंगी? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कीमत दे दी जाती है, लेकिन आखिर में वही होता है कि उनके परिवारजन रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। आखिर कोई जाकर, कोई बड़ा अधिकारी उनकी सूद नहीं लेता। जब तक TV की सुर्खियाँ बनी रहती हैं तब तक सब कुछ चलता रहता है। TV की सुर्खियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उनके आंसू भी शायद ख़त्म हो जाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर सरकार का ये लचर रवैया किस ओर इशारा करता है? देखिए काशिफ जी, दुर्घटनाएं कभी बता कर नहीं होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो इस बात पे ध्यान देना होगा, लेकिन प्रशासन को हर एक समस्या से समझने या निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रशासन को ये चाहिए कि किसी भी दुर्घटना के लिए पहले से इंतजाम करे। जैसे कि आपने बताया कि NTPC में इतने बॉयलर फट गया जिसमें करीब करीब 25-26 लोग मर गए। इससे ये जाहिर होता है कि वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ और आसपास के लोगों में उसको मदद करने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसका मतलब है कि वहाँ व्यवस्था पहले से गड़बड़ाई थी। बिल्कुल, विनय गोयल जी का कहना है कि वहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं थी। लोग टैक्स अदा करते हैं, लोग टैक्स देते हैं और अपनी जेब से हर एक चीज़ पे टैक्स दिया जाता है। सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम ज़मीन पर नज़र नहीं आता है। अगर हम बात करें पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं, उसके बाद उसी सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि अगस्त में बच्चे मरते हैं। आखिर कब तक सरकारें इस ओर कहती रहेंगी? आखिर कब तक सरकारें बचती रहेंगी? क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि सरकार इन सब चीज़ों को आश्वासन के साथ साथ सरकार इस पर काम करे? क्योंकि जब तक सरकारें आखिर क्यों बचती रहती हैं? जांच कमेटी बनती है और उस पर फाइलें दर फाइलें चढ़ती रहती हैं, लेकिन उन जाँच कमेटी का कुछ नहीं होता। आखिर क्या सरकार इन सब चीज़ों से भागती क्यों है? अभी आपने NTPC का जो भीषण हादसा हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मॉरिशस में बैठ के ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि हम 2 लाख और 5 लाख दे रहे हैं। क्या लाशों की कीमत लगाई जा रही है? 2 लाख, 5 लाख, आखिर कब तक इन लाशों की कीमत लगती रहेगी? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार गायत्री गुप्ता। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार का ये लचर रवैया क्या आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल सही कहा काशिफ जी आपने कि जिस तरह से कि NTPC में हादसा हुआ है और वहाँ को लेकर CM योगी आदित्यनाथ, जो कि कहते हैं कि आम जनता के सरोकार से जुड़ी बातें करके वो UP की सत्ता में आए, लेकिन जिस तरह से मॉरिशस में बैठे बैठे उन्होंने ट्वीट किया कि इतना मुआवजा, कि कहीं से भी एक CM के नाते कहीं से मुझे शोभा नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी से भी उनके हृदय पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वहाँ पे मारे गए हैं और कमेटी बिठा दी गई है, आप खुद सोचिए काशिफ जी कि कमेटी तो बिठा दी जाती, BRD अस्पताल में जब बच्चे मारे गए थे तब भी कमेटी बिठाई गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? क्या अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? कुछ भी नहीं। सब दिखावे के नाम पर कमेटी बिठाई जाती है, फिर मीडिया में जब खबरें आती हैं तो एक्शन होता है, सरकार भी कहीं ना कहीं अपना बचाव पक्ष तैयार करती है, लेकिन अंत में वही होता ढाक के तीन पात, सब कुछ शांति से होता है, कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उसका परिणाम क्या रहा। बिल्कुल, यानी गायत्री गुप्ता का कहना है कि कमेटी बना दी जाती है, उसके बाद कोई भी उस पर अमल नहीं होता। आखिर वो कमेटी किस लिए बनाई जाती है? या कमेटी सिर्फ और सिर्फ तब तक काम करती रहती है जब तक कि TV की सुर्खियों पे वो बनी रहती है खबर, फिर उसके बाद शायद वो जो आंसू निकलते हैं उनके परिजनों के, वो शायद आंसू ऐसे ही बहते रहते हैं और शायद सरकार उनको आंसुओं को समेटना ही नहीं चाहती। मैं बात करूंगा राशिद जी से कि राशिद जी,
ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से एनटीपीसी में जो हादसा हुआ कल उसके बाद, और जिस तरीके से सरकार का जो रवैया है कि मॉरिशस में बैठ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और यूपी में अमूमन देखा गया है कि कोई भी हादसे के बाद सरकार लीपापोती करने लगती है और अपनी जो जिम्मेदारी है उनसे भागने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं ये आम इंसान के ऊपर चोट नहीं है? देखिए, बिल्कुल इस पे एक सवाल खड़ा होता है कि जो एक अपने प्रदेश में, अपने राज्य में, जिस राज्य का आप नेतृत्व कर रहे हो, उसमें एक बड़ा हादसा, जो तुम्हारे घर में एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है और इतने मासूमों की उसमें जान चली जाती है, जो बेगुनाह हैं 30 जाने गई हैं इस हादसे में, जो भी बहुत बड़ा भयानक और दुखद हादसा है, और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक अलग जगह पर बैठ के वहाँ से ट्वीट करें और वहाँ से मुआवजे का ऐलान करें, बहुत ही कुछ एक अलग लगता है। बल्कि उन्हें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो तुरंत अपने घर में आए और वहाँ के हालातों का वो जायज़ा लें, वहाँ के उस क्षेत्र का जहाँ पे वो हादसा हुआ उस जगह का निरीक्षण करें, और जो भी इस मतलब इस अपराध में शामिल हैं, जो भी इस अपराध के, जो भी इस हादसे के गुनहगार हैं, उनको जल्द सज़ा दी जाए, और इस हादसे में जो पीड़ित हैं उनको सही तरीके से, उनको एकदम सही मायने में उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल, राशिद जी का भी यही कहना है कि पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा शायद ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठ के मिनरल वाटर पी पी कर, बिस्लरी के पानी पी पी कर हम लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, और उन कानूनों का कितना पालन किया जाता है शायद आप और हम नहीं जानते। एक किसी शायर ने एक शेर कहा था कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिसकियों का गम शहनाई छुपाती है। अगर हम बात करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो महिलाएं, जाहिर सी बात है महिलाएं काफ़ी मकाम रखती हैं। महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों देखने में आ रहा है कि काफ़ी वहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ काफी जातियां हो रही हैं, उस पर योगी सरकार खामोश है। आखिर क्यों? हम बात करना चाहेंगे हमारी सहयोगी दीपिका से, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर सरकार, क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर खुद चिंतित नहीं है, सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है? मुझे लगता है जितनी भी ये हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए हैं स्पेशली, उनको लेके सरकार को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं डेली ट्रैवल करती हूँ, तो इस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि वो हेल्पलाइन नंबर्स आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप इस भरोसे से कॉल करेंगे कि हाँ मैं इस नंबर पर कॉल करूँ, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, और कुछ कदम लिया जाएगा, कुछ कदम उठाया जाएगा, मेरी हेल्प के लिए आएगा, तो उस वक्त मैंने एक ही बार कॉल किया था, तो उस वक्त मतलब मुझे तो कोई रिस्पांस नहीं मिला था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरी सुरक्षा को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन हेल्पलाइन नंबर पे शायद सरकार को थोड़ा काम करना चाहिए, ताकि वक्त रहते हमारे काम भी आ सके। सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए उस चीज़ की, और उस चीज़ को अमल भी करना चाहिए अपने ऊपर। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है उन्होंने, कहा कि सरकार को एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो हमारे लिए जो कानून बनाती है, जो हमारे लिए काम करती है, उसका ज़मीन पर भी असर होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि सरकार कानून तो बना देती है लेकिन उसके ऊपर अमल करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हमें देखना ये होगा कि जिस तरीके के हादसे, जिस तरीके की घटनाएँ होती हैं, इस पर आम लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि पिछले दिनों से देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आम लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पाती है, आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा? क्योंकि जवाब तो अल्टीमेट सरकार को ही देना होगा, क्योंकि सरकार ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। चाहे कोई पुल हादसा होता है या बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लोग, बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, फिर उसके बाद अगर सरकार भगवा रंग की दीवारें कर लेती है, अगर सरकार भगवा रंग की तौलिया और भगवा रंग के अगर साबुन यूज़ करती है, फिर उसके बाद तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा, क्योंकि सवाल तो पूछना है, क्योंकि जब तक जनता है सवाल तो पूछेगी, लेकिन सरकारों को इनसे भागना नहीं होगा। और आखिर में मैं अपने सहयोगी लव कुमार से बात करूंगा कि वो आखिर में ये बताएं मुझे कि केंद्र में बीजेपी है और राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में भी बीजेपी सरकार है, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं उस पर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है? जी, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी होती आई हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, केंद्र में है, राज्य में भी है, पल्ला तो नहीं झाड़ना चाहिए, ईमानदारी से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, और पहले भी होती आ रही हैं, और
केंद्र में रहे कोई भी सरकार रहे, राज्य में कोई भी सरकार रहे, जनता की सेवा करने के लिए सरकारें होती है, ना कि उन पे अत्याचार करे, कुछ भी करे। उनके साथ जो हो रही है घटनाएं, उसको सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। मतलब लव कुमार का भी यही कहना है कि सरकार ये घटनाएं पहले से ही होती आ रही हैं, इस पे सरकार जो भी हो उसको गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार सोचेंगी नहीं, जब तक जमीन पर काम नहीं होगा, जब तक शायद इस देश का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमें तो बदलना पड़ेगा हमारे सवालों को, हम तो सवाल पूछेंगे क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना, हम सरकार से सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, और सरकार हमारी जानों की, हमारे माल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करा सकती, तो फिर जाहिर सी बात है सरकार की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल है। SPNI न्यूज़ से काशिफ की रिपोर्ट।